हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने का निर्णय लिया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रिब्यूनल भंग करने का ये निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि इस तरह कर्मचारियों के लंबित मामले अब हाईकोर्ट भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया गया है। हिमाचल सरकार का ये अहम फैसला कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें ट्रिब्यूनल भंग होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लंबित मामले अब हाई कोर्ट में भेजे जाएंगे। इससे पहले भी जुलाई 2008 में धूमल सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग किया था। कांग्रेस सरकार ने 2015 में और फिर से ट्रिब्यूनल का गठन किया। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कैबिनेट की कल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया है। वही कर्मचारियों के जो लंबित मामले हैं उसे अब सीधे हाईकोर्ट में भेजा जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने का यह अहम फैसला हिमाचल कैबिनेट की इस मीटिंग के दौरान लिया गया। ऐसे में जो कर्मचारियों के लंबित मामले हैं उन्हें हाईकोर्ट भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 250 से ज्यादा नई भर्तियों को करने का फैसला लिया है और सबसे ज्यादा भर्ती वन विभाग में की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने आचार्य को 50,000 रुपए, सहाचार्य को 30,000 और सहायक आचार्य को 20,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी है। ये प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें ऐसा चंबा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में सहारा योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी भी दी है। इसके अलावा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संबंधित रोगियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण बैठक में 250 पदों को भरने की मंजूरी दी है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक के दौरान ये कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक कल हुई और इस बैठक के दौरान ये अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 250 पदों को भरने की मंजूरी दी है, जो 250 पद अभी भी खाली हैं। दरअसल सबसे ज्यादा वन विभाग में भर्तियां होती हैं और इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। कई अन्य प्रस्तावों को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान हिमाचल मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक हुई थी और इसमें इस तरह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें वन विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती की बात कही गई है। जो पद अभी भी खाली पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा।